So hello guys, welcome or welcome back to my channel. So hope you all are doing good and are safe at your homes. And if you are new to this channel and seeing my face for the very first time, hi, I am Prakriti. And आज का वीडियो होने वाला है a skin care empties kind of a video. Like some products I have been using since a couple of months and वो finally किसी तरह खत्म हो गए हैं. So yeah, I would be sharing my short review कि मुझे वो product कैसा लगा, अच्छा लगा भी या नहीं. And will I purchase it in future or no? So yeah, if you want to know my short review about the same, so make sure you stick to the end of the video. And क्या पता आप भी कोई products लेना चाह रहे हो और आपको उसका review चाहिए हो, so it would be helpful in some way or the other. So yeah, without much delay, let's just hop into the video. So yeah, the first product is this lip butter that is a lightening butter. That is what it claims, and it's from the brand Aura Vedic. ये कुछ यूज करने के बाद कुछ ऐसा हो गया. अर्लियर इट वॉज इन पिंक कलर एंड ये क्लेम तो करता है कि ये लाइट करता है आपके लिप्स को, बट मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ. थोड़े टाइम आप लगाओ इसको एंड आपको थोड़ा सा पिंकिश सॉर्ट ऑफ इफेक्ट मिलेगा फॉर श्योर, बट जो ये क्लेम करता है लिप लाइटनिंग, तो मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ इसको यूज करते हुए. एंड आई हैव यूज्ड इट एज यू कुड सी द एंटायर टब ऑलमोस्ट, एंड इसका कलर भी चेंज हो गया है. सो इट रिटेल्ड फॉर 100 rupees. And अगर आप बोलोगे क्या मैं ये दोबारा परचेज करूंगी, तो नो, आई विल नॉट परचेज इट. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ फेस वॉश एंड इट्स फ्रॉम द ब्रांड हिमालय एंड इट्स देयर ब्लूबेरी फेस वॉश. लाइक इट क्लेम्स दैट इट्स अ ऑयल क्लियर फेस वॉश एंड इसमें बीड्स हैं जो कि लिखा हुआ नेचुरल बीड्स, सो वो जेंटल एक्सफोलिएशन आपकी स्किन को प्रोवाइड करती हैं. सो या इट्स 100 ml ऑफ प्रोडक्ट फॉर जस्ट ₹140 एंड इट्स वेरी गुड एंड इसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है. या इट्स वेरी अमेजिंग. सो मैं तो डिफरेंट डिफरेंट फेस वॉश यूज करती रहती हूँ, सो आई फॉर श्योर रीपर्चेज इट बिकॉज इट्स वेरी गुड एंड अफोर्डेबल एज वेल. या द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ मॉइस्चराइजर एंड इट्स फ्रॉम द ब्रांड नीविया. इट्स फ्रॉम देयर सॉफ्ट रेंज एंड इट्स इन द मिंट फ्रेग्रेंस. एंड एज यू कैन सी मैंने ये एंटायरली यूज कर लिया, आई फिनिश्ड इट अप. ये उसका सबसे छोटा वाला वेरियंट है. मैंने ये मंगाया था ऐसे टेस्ट करने के लिए कि हाउ इट वुड बी, बट टू माई सरप्राइज मुझे ये बहुत ज्यादा ही पसंद आया. एंड आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में लाइक बिगनर स्किन केयर में देखा होगा कि आई हैव परचेज्ड इसका बड़ा वाला टब एंड आई हैव बीन लाइकिंग दिस बिकॉज इट्स फ्रॉम द सॉफ्ट रेंज एज इट क्लेम्स. तो ये मॉइस्चराइजेशन तो प्रोवाइड करता है बट इट डज नॉट मेक्स योर स्किन फील ग्रीजी, तो मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया. तो माय नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम गुड वाइब्स एंड इट्स देयर ग्लो टोनर व्हिच इज इन द मलबरी फ्रेग्रेंस. एंड मुझे अच्छा तो लगा. लाइक दिस वन इज द आई सपोज बड़ी वाली बॉटल. या दिस इज फॉर 225 rupees एंड इसकी एक स्मॉलर वेरिएंट भी आता है लाइक वो 100 या 125 के अराउंड आता है. सो आई लाइक दिस एज इट क्लेम्स दैट इट्स अ ग्लो टोनर. तो जैसे हम इसको स्प्रिट्स करते हैं अपने फेस पे एक ग्लोई इफेक्ट तो आता है, बट एज इट इज अ टोनर तो आई डोंट सपोज कि कुछ पोर्स पे इफेक्ट हो रहा है. बट एनी वे ये एक रिफ्रेशिंग मिस्ट सॉर्ट ऑफ यूज किया जा सकता है. एंड या आई विल श्योरली रीपर्चेज इट इन अनदर फ्रेग्रेंस फॉर श्योर. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अगेन अ फेस मिस्ट and it's from the brand Plum and it's from their green tea range which is basically for combination oily skin type people. एंड इसकी एक दूसरी वाली रेंज भी आती है, दैट्स द पर्पल वन, और वो ड्राई स्किन वालों के लिए होती है. बट टॉकिंग अबाउट दिस, लाइक मुझे ये बहुत ही ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया है. एंड इट रिटेल्स फॉर, या इट रिटेल्स फॉर 360 एंड इसकी एक छोटी वाली वेरियंट भी आती है, तो यू कैन जस्ट बाय इट एंड ट्राई ऑन योर स्किन. एंड वेन यू स्प्रे दिस ऑन योर फेस तो एक बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग सा फील होता है. एंड या अगर आप बोलो कि मैं ये दोबारा लूंगी कि नहीं, तो आई हैव ऑलरेडी bought this was my first bottle and mere paas already ek backup bottle padi hui hai. Mujhe bahut zyada pasand aaya ye. So the next product is from the brand Khadi and it's their herbal massage gel and it has mint and aloe vera in it. Like maine to ye completely use kar liya hai as you can see. एंड ये एक नॉर्मल सा ही मसाज जेल सॉर्ट ऑफ है. मिंट है तो रिफ्रेशिंग सी फील जरूर होती है,
बट मुझे ये थोड़ा सा प्राइसी लगा, आई डोंट नो व्हाई. इट रिटेल्स फॉर 195 एंड एक ये नॉर्मल सा मसाज जेल है. लाइक आप नॉर्मल एलोवेरा भी यूज कर सकते हो अपने फेस पे, कुछ लैवेंडर ऑयल या कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल के, वो भी आपको आई सपोज सेम ही इफेक्ट देगा. तो इफ यू से दैट वुड आई रिपर्चेज दिस प्रोडक्ट, आई थिंक दैट आई वॉन्ट रिपर्चेज दिस. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ रोज वॉटर एंड इट्स फ्रॉम द ब्रांड जीवा. एंड मैंने जीवा के और भी प्रोडक्ट्स यूज किए हुए हैं, लाइक देयर एलोवेरा जेल एंड मुल्तानी मिट्टी आता है उनके टब में. तो जीवा इज अ गुड ब्रांड आई सपोज, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें. एंड टॉकिंग अबाउट दिस रोज वाटर, तो मुझे ये पसंद आया. लाइक इट इज 50 ml ऑफ प्रोडक्ट एंड इट रिटेल्स फॉर 300 एंड मैंने ये शायद किसी ऑफर पे लिया था एंड आई गॉट इट फॉर ₹200 एंड मुझे तो ये पसंद आया. एंड लाइक आई हैव ऑल्सो यूज्ड अदर रोज वाटर्स, लाइक करेंटली आई एम यूजिंग कामाज रोज वाटर एंड आई हैव इवन यूज्ड फॉरेस्ट एसेंशियल्स रोज वाटर. तो या आई लाइक्ड दिस वन एंड ये थोड़ा अफोर्डेबल साइड पे आ जाता है, तो या पीपल कैन बाय एंड ट्राई इट इजिली. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ लिप बाम एंड इट्स फ्रॉम द ब्रांड Juicy Chemistry. So yeah, it has orange and rosehip in it and it claims that it works for pigmented lips. As per my use, as you can see, I have completely used it up. एंड जैसे मैंने इसको यूज किया तो मेरे थोड़े ज्यादा पिगमेंटेड लिप्स थे, तो पूरा एंटायरली तो नहीं, बट आई वुड से कि बीच बीच से इट हैज लाइटेंड अप माई लिप. एंड या इट इज इफेक्टिव इफ यू यूज इट थोड़े टाइम तक एंड आपको फील होगा कि आपके लिप्स लाइटन हो रहे हैं. सो जूसी केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांड है, बेसिकली इट इज वीगन एंड क्रूएल्टी फ्री एंड इसमें कोई भी एडेड कलर्स और फ्रेग्रेंस नहीं होता है. लाइक इट यूजेस नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इन इट, तो इनकी शेल्फ लाइफ थोड़ी ऑटोमेटिकली कम होती है, तो आपको उसी टेन्योर में यूज करना पड़ता है. सो आई लाइक दिस एंड आई विल श्योरली रीपर्चेज. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अगेन फ्रॉम द ब्रांड प्लम एंड दिस टाइम इट्स देयर नाइट क्लैरिटी जेल. And this comes in a glass tub sort of a thing and here would be the product. So basically iski gel sort of consistency hoti hai, so it gets easily absorbed in your skin. Nourishment to ye proper provide karti hai, but it also claims ki this night gel dulls and reduces your acne scars, जो कि मुझे फील नहीं हुआ. नरिशमेंट में तो ये प्रॉपर है, बट दूसरा वाला एस्पेक्ट इसका फुलफिल नहीं होता है. एंड इट इज आई सपोज थोड़ा कॉस्टली ऑल्सो एंड इट हैज a really strong fragrance as well, so I won't repurchase this again. So the next product is from the brand Biotique and it's their Bio Morning Nectar. It's basically a moisturizer, so it claims that it's meant for all skin types, but according to me iski thodi si thick consistency hai, because meri combination to oily skin type hai and I have bought this in winters and winters ke liye to ye bahut sahi thi kyunki winters mein thodi si dry sort of skin ho jati hai aapki, dry and flaky, to uske liye बिल्कुल सही थी. बट इफ आई अप्लाई दिस इन समर तो मुझे स्वेटिंग होने लगेगी फॉर श्योर. तो दिस वन इज रियली गुड फॉर विंटर्स एंड ड्राई स्किन वालों के लिए तो ऑब्वियसली एवरी टाइम इट्स वेरी गुड एंड इट्स अ रियली गुड मॉइस्चराइजर एंड इट्स अफोर्डेबल एज वेल. सो द नेक्स्ट इज अ बॉडी लोशन एंड इट्स फ्रॉम द ब्रांड बाथ एंड बॉडी वर्क्स एंड इट्स देयर पेरिस आर्मर रेंज एंड ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है. लाइक आई नो बाथ एंड बॉडी वर्क्स के प्रोडक्ट्स थोड़े से ज्यादा हायर रेंज पे चले जाते हैं, बट वो जितना कॉस्ट करते हैं उतना डिलीवर भी करते हैं. एंड दिस इज लाइक दिस हैज शिया बटर एंड विटामिन ई इन इट एंड इनकी एक दो और कोई रेंजेस आती हैं जो ऑल टाइम बेस्ट सेलर्स हैं एंड आई हैव यूज्ड देम एज वेल. लाइक एक मुझे याद है जापानीज चेरी ब्लॉसम, तो मुझे वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगती है एंड दिस वन इज फ्रॉम द सीजनल रेंजेस. सो या इट हैज अ fruity sort of smell and मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है. So yeah, I keep on trying different fragrances from them and I like their products a lot. So the next product is a shower gel and it's from the brand The Body Shop and इनके भी shower gels बहुत ज्यादा amazing होते हैं. इसमें दो sizes आते हैं, लाइक एक आता है कुछ 425 के अराउंड या 450 अमाउंट का एंड द बिगर बॉटल रिटेल्स फॉर 625. लाइक अलग अलग रेंजेस आती हैं इनकी. तो दिस वन इज इंग्लिश डॉन गार्डेनिया. लाइक ये वाला भी ओकेश सॉर्ट ऑफ था अकॉर्डिंग टू द प्राइस पॉइंट. थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली है आई नो. इनकी एक स्मॉलर वेरियंट में आती है द ब्रिटिश रोज, इफ आई एम करेक्टली रिमेम्बरिंग द नेम. सो मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है एंड दिस वन
this was okayish, and yeah, I would like to try some other variant, and I'll not repurchase this again. So the next product is again from the brand The Body Shop, and it's their tea tree oil. सो बेसिकली मैंने नायका का भी टी ट्री ऑयल ट्राई किया हुआ है एंड मैंने और कुछ ब्रांड्स है मुझे आई डोंट रिमेम्बर द नेम सोल फ्लावर एंड सम अदर ब्रांड्स बट द वे दिस टी ट्री ऑयल वर्क्स ऑन द एक्ने मैंने लाइक रियली मैंने नहीं देखा इट्स सो स्ट्रॉन्ग लाइक आप थोड़ा सा क्यू टिप पे लेके अपने जहां पे भी आपको एक्ने हो रहा है आप उस पे स्पॉट ट्रीटमेंट करो इट इज सो स्ट्रॉन्ग दैट द एक्ने वुड फेड ओवरनाइट एंड मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया एंड आई हैव ऑलरेडी रीपर्चेज दिस सो यू नो कि मुझे ये कितना ज्यादा पसंद आया आई डू नॉट टॉक मच अबाउट दिस सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम द ब्रांड इनिसफ्री एंड इट्स देयर ग्रीन टी सीड सीरम सो दिस प्रोडक्ट टुक मी एजेस टू फिनिश Because iska 1 to 2 pumps are more than enough for your entire face. And this has green tea, so it's meant for oily combination skin, as I told earlier. And mujhe to ye bahut zyada pasand aaya. So yeah, it is bit on the expensive side because it was around 1200 or 1400 something. I don't remember exactly. But according to that, ye kafi zyada chal gaya. So yeah, it's worth the money. And yeah, it's very good for the skin. It does not makes the skin feel greasy or anything of that sort. It's very light on the skin, very gentle. And yeah, अब तो बहुत ज्यादा मैंने यूज कर लिया तो आई विल नॉट रीपर्चेज दिस इन द नियर फ्यूचर बट या इफ आई एम आस्क्ड टू रीपर्चेज दिस श्योरली आई वुड रीपर्चेज दिस सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अगेन फ्रॉम इनिसफ्री लाइक जो मैंने ग्रीन टी सीड सीरम लिया था उसके साथ एक ट्रैवल किट सॉर्ट ऑफ फ्री मिली थी सो उसमें तीन चीजें थी इसका ट्रैवल साइज था लाइक द ग्रीन टी सीड सीरम देन द सेकेंड वॉज दैट वॉल्केनिक मास्क जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया आई एम नॉट एबल टू फाइंड दैट बॉटल उसकी एम्प्टी बट आई Surely repurchase उसका बड़ा वाला वेरियंट वो भी अराउंड कुछ 1100 या 1200 आता है बट दैट इज लाइक वेरी गुड द वॉल्केनिक पोर मास्क एंड द नेक्स्ट इज दिस इनिसफ्री जेजू ऑर्किड क्रीम सो या इट्स बेसिकली फॉर ड्राई स्किन बिकॉज इट्स अल्ट्रा नरिशिंग मैंने ये काफी ज्यादा यूज भी की इन विंटर्स बिकॉज ये बहुत ज्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करती है बट आई नॉट बाय द बिगर वेरियंट ऑफ दिस फॉर श्योर क्योंकि ये दिस इज मेंट फॉर ड्राई स्किन पीपल सो द लास्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम द ब्रांड बिलीव एंड इट्स द ट्रू क्रीम मॉइस्चराइजिंग बॉम लाइक ये बहुत ही ज्यादा हाइप में था इसका दूसरा वाला लाइक द एक्वा बॉम जो कि ऑयली स्किन वालों के लिए लाइक बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे थे एंड पसंद कर रहे थे तो आई थॉट व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई तो मैंने ऑल स्किन वाला मंगाया लाइक मॉइस्चराइजिंग बॉम सो बेसिकली इसकी कंसिस्टेंसी वॉज ओकेश लाइक ज्यादा थिक भी नहीं थी एंड इट वॉज नॉट जेल इवन सो प्रॉपरली नरिशमेंट प्रोवाइड करती है एंड आई रियली लाइक दिस मतलब इट इज वर्थ द हाइप एंड या मैंने ये कोई किट में ली थी लाइक इट वॉज अराउंड 1400 और 1500 तो इसमें ये फुल साइज टब था मॉइस्चराइजिंग बॉम का एंड देर वॉज वन फेस वॉश एंड न्यूमेरो एसेंस इन इट सो या इट इज एक्सपेंसिव बिकॉज इंडिविजुअली ये खुद ही लाइक इट्स ओवर 1000 rupees सो आई लाइक दिस प्रोडक्ट बट अगेन आई वुड नॉट रीपर्चेज बिकॉज ऐसा ही इफेक्ट और भी क्रीम्स दे रही हैं एट अ मच अफोर्डेबल प्राइस सो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो होप आपको ये मेरा मिनी रिव्यू हेल्प किया सो या इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टा हैंडल एंड या सो दैट इज इट फॉर नाउ एंड मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो